हेलो एवरीवन, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन के रिप्रोडक्शन चैप्टर का इम्प्लांटेशन टॉपिक है। आई एम अरुण रैना। इस टॉपिक में सब हम पढ़ेंगे इम्प्लांटेशन के। तो व्हाट इज इम्प्लांटेशन? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट जब यूट्रस में पहुंचता है, फिफ्थ डे में ब्लास्टोसिस्ट मंथ है, और जब ये यूट्रस में पहुंचता है तो सेवंथ डे में ये यूट्रस की अंदर वाली लेयर एंडोमेटीरियम लेयर के साथ ज्वाइन करता है, बाइंड कर जाता है, जिसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो अबाउट ये सेवंथ डे पे, ओके। तो व्हाट इज इम्प्लांटेशन? इम्प्लांटेशन क्या होता है? इम्प्लांटेशन इज द अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट टू द यूट्रन वॉल। इट अकर्स आफ्टर 7 days ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ये हमने पहले भी फिगर की हुई है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन की। तो ये ओवरी है, ओवरी के ये ओवरी से यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में एग चले जाता है और ये फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में फर्टिलाइज हो जाता है। फिर उसके फर्टिलाइज एग को सिंगल सेल को बोलते हैं हम जाइगोट। ये आगे जाके सेकेंड टू सेल बन जाता है, फिर ये 4 cell, फिर ये 8 cell, फिर ये 16 cell। 8 cell या 16 cell को हम मोरूला बोलते हैं। और जैसे ही ये एंटर करता है यूट्रस में, इसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। और ब्लास्टोसिस्ट जो है सेवंथ डे में, सेवंथ डे के अराउंड ये इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो जाती है ब्लास्टोसिस्ट की, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट के हमने पार्ट पढ़े थे। ब्लास्टोसिस्ट की जो बाहर वाली लेयर होती है वो बाद में चल के क्या बनाती है? प्लेसेंटा बनाती है, उसको हम ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है। वह उसी के थ्रू ये ज्वाइन करता है और बीच में जो उसका सेल मास पड़ा होता है वही एम्ब्रियो की टिश्यूज बॉडी बनाता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ है। तो नेक्स्ट आ जाता है, तो कैसे ये होता है? व्हेन द पूरी एक्सप्लेनेशन देखो। When the fertilization occur in ampulla of the fallopian tube, zygote बन जाता है, okay? फिर in next 3 days after fertilization, the zygote contain nearly 8 to 16 cells and is called morula. तो next 3 days में उसमें division होती है, 8 to 16 cells बन जाते हैं, morula बन जाते हैं। फिर उसके बाद next 2 days में वो blastocyst बन जाता है। Over a period of 2 days मोरूला डिसेंड्स डाउन इनटू यूट्रस में आ जाता है एंड ट्रांसफॉर्म्स इटसेल्फ इनटू ए ब्लास्टोसिस्ट, ए हॉलो बाल, बाल सा बन जाता है। अंदर उसके सेल्स होते हैं। आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इज कॉल्ड आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट कॉल्ड द ट्रोपोब्लास्ट इवेंचुअली गिव राइज टू द प्लेसेंटा, ये बाद में चल के प्लेसेंटा। और जो वाइल द इनर लेयर कंसिस्टिंग ऑफ ए ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड द इनर सेल मास इवेंचुअली डिफरेंशिएट्स टू फॉर्म द एम्ब्रियो। नेक्स्ट, एट द ब्लास्टोसिस्ट स्टेज द एम्ब्रियो गेट्स अटैच टू द यूट्रस एज द ट्रोपोब्लास्ट ग्रो आउटवर्ड एंड पेनिट्रेट्स द एंडो मेटीरियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस इन रिस्पॉन्स। एंड इनर लाइनिंग जो यूट्रस की होती है ना उसके साथ अटैच होता है। इनर लाइनिंग को हम क्या कहते हैं? एंडो मेटीरियम कहते हैं। एंडोमेटीरियम में इन रिस्पॉन्स एंड एंडोमेटीरियम सेल डिवाइड एंड स्टार्ट सराउंडिंग द, और बिल्कुल अंदर ले लेते हैं ब्लास्टोसिस्ट को। इस तरह से ब्लास्टोसिस्ट अंदर चले जाता है। दिस कॉज द ब्लास्टोसिस्ट टू सिंक एंड गेट इम्प्लांटेड इन टू द यूट्रस। वंस इम्प्लांटेशन हो जाती है तो हम बोलते हैं प्रेगनेंसी हो गई। इनिशिएट वंस इम्प्लांटेशन हैज अकर्ड प्रेगनेंसी गेट्स initiated. Moreover, after implantation, inner mass cells जो है वो differentiate होके and begins to form the embryo. Embryo बनना start हो जाता है। और 11वें दिन, 7वें दिन से start हुआ था, 11वें दिन बिल्कुल fertilization, after 11 days of fertilization, egg जो होता है completely uterus के अंदर चले जाता है, insert itself into the uterus lining, uterine lining. और इस तरह से लास्ट में जो आफ्टर द 11th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन द एग कंप्लीट्स
कंप्लीटली इंसर्ट इटसेल्फ इनटू द यूट्रन लाइनिंग। एम्ब्रियो फॉर्मेशन इस तरह से क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो बिगेन हुई थी फर्टिलाइजेशन और कंप्लीट होती है जब एंड विद इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। जब जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, फर्टिलाइज्ड एग जो आप कह सकते हो ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट जब यूट्रस की वाल के साथ अटैच हो रहा होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, एंडोमेट्रियम की जो वाल होती है वो थोड़ी सी ब्रेक करती है, जिसके कारण वहां पे क्या हो जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है। तो ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है इसको। तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होती है, द इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बिगिंस व्हेन द फर्टिलाइज्ड एग अटैच टू द एंडोमेटेरियम टू कमेंस द प्रीनेटल डेवलपमेंट। ड्यू टू दिस मूवमेंट ऑफ एग स्लाइट ब्लीडिंग वुड बी ऑब्जर्व्ड व्हिच इज कंप्लीटली नॉर्मल, जो कंप्लीटली नॉर्मल मानी जाती है। सिम्टम्स क्या है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के, कैसे पता चलेगा ये, एक तो ये यहाँ पे देख लो, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो है ये कंसिडर टू बी वन ऑफ द अर्लियर साइन ऑफ प्रेगनेंसी। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है तो इससे थोड़ा आइडिया हो जाता है कि प्रेगनेंट है। दिस जनरली बिगिन अराउंड अ फ्यू डेज बिफोर द नेक्स्ट मेनस्ट्रुअल साइकिल, मेनस्ट्रुअल साइकिल आने वाला होता है उससे पहले। वुमेन ऑफन कंफ्यूज रहती हैं कि पीरियड आए हैं या इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रही है। नेक्स्ट हियर आर द सम ऑफ द क्लियरली आइडेंटिफाइड सिम्टम्स ऑफ इम्प्लांटेशन, ब्राउन या पिंक वेजिनल डिस्चार्ज, ब्राउन और पिंक वेजिनल डिस्चार्ज स्पॉटिंग, लाइट क्रैम्प आते हैं, हेडेक होती है, मूड स्विंग्स करते हैं और टेंडर ब्रेस्ट, ये सिम्टम्स हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। नेक्स्ट साइन ऑफ सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, अबाउट 20-30% ऑफ वुमेन हैव इम्प्लांटेशन, 20-30% वुमेन में होती है। मैनी वुमेन मिसअंडरस्टैंड द इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग विद द बिगनिंग, बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप कर जाता है, मोस्ट कॉमन साइन जो है नोसिया ये रहता है। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन, वंस द एग इज फर्टिलाइज्ड बाय यूजफुल स्पर्म, जैसे एग फर्टिलाइज होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, एम्पुला में होती है और यूट्रस की तरफ ट्रेवल करता है थ्रू फैलोपियन ट्यूब के इस्थमस पार्ट की तरफ। देन इट मेक्स कॉन्टैक्ट विद द यूट्रन वाल फॉर प्री नेटल डेवलपमेंट, यूट्रस वाल के साथ कॉन्टैक्ट में आता है। इट यूजली टेक 9-10 days फॉर होल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, इस पूरे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को 9-10 दिन लगते हैं। इन केस द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अनसक्सेसफुल रहे तो एग फ्लश आउट कर जाता है इन द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो, ठीक है। तो ये है पूरा इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन कब होती है, 7th day के अराउंड होती है, जब क्या होता है इम्प्लांटेशन होती है 7th day के अराउंड, जब ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो ज्वाइन करता है यूट्रस की एंडोमेटेरियम वाल के साथ, थोड़ी ब्लीडिंग भी होती है, एंडोमेट्रियम वाल की सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है और पूरे वो ब्लास्टोसिस्ट को अंदर ले लेती है और फिर 11th day में कंप्लीट होती है और फिर वो एम्ब्रियो बन जाता है। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।